सर्दार वल्लभभाई पटेल जयंती सदर्भंगा ढिल्लीलो जेंडा ऊपी ऐक्यता परुगु कार्यक्रमानी प्रारंभिंचारु केंद्र होममंत्री अमित शाह पटेल चोरवतोनी 550 संस्थानालनु भारतलो विलीनमय्यायनी गुर्तु चेशारु जूनागढ़ हैदराबाद लक्षद्वीपलनु भारतलो कलिपेंदुकु आयन चेसिन प्रयत्नालु सफलीकृतमय्यायन्नारु देशं कोसं अंत कृषि चेसिन पटेलकु भारत रत्न इव्वडानिकी अप्पटि प्रभुत्वालु चाला कालं निराकरिंचायन्नारु सर्दार वल्लभभाई पटेल जयंती सदर्भंगा ढिल्लीलो जेंडा ऊपी ऐक्यता परुगु कार्यक्रमानु प्रारंभिंचारु केंद्र होममंत्री अमित शाह पटेल चोरवतोने 550 संस्थानालु भारतलो विलीनमय्यायनि गुर्तु चेशारु जूनागढ़ हैदराबाद लक्षद्वीपलनु भारतलो कलिपेंदुकु आयन चेसिन प्रयत्नालु सफलीकृतमय्यायन्नारु देशं कोसं अंत कृषि चेसिन पटेलकु भारत रत्न इव्वडानिकि अप्पटि प्रभुत्वालु चाला कालं निराकरिंचायन्नारु कार्यक्रमले द्वारा झंडी दिखाई गई और अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे सभी जाबाज सभी हमारे भारतीय नागरिक आपसे निवेदन करती हूँ पूरे उत्साह के साथ यहाँ मौजूद है कि इस एकता की दौड़ का प्रारंभ करें दे दूं एक एक स्पंदन हर सुबह का पहला बंधन इसे बनाएं चलो सजाएं जब तक सांसें शेष जय हो भारत देश जय जय भारत देश सरदार पटेल के जन्म दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार एकता दिवस पर अनेकता में एकता के बारे में हमारे देश के बारे में कहा था बहुत ही सुंदर गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने अखंड भारत का नारा बुलंद किया माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा झंडी दिखाई गई और अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे सभी जाबाज सभी हमारे भारतीय नागरिक आपसे निवेदन करती हूँ पूरे उत्साह के साथ यहाँ मौजूद है कि इस एकता की दौड़ का प्रारंभ करें दे दूं एक एक स्पंदन हर सुबह का पहला बंधन इसे बनाएं चलो सजाएं जब तक सांसें शेष जय हो भारत देश जय जय भारत देश सरदार पटेल के जन्म दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार एकता दिवस पर अनेकता में एकता के बारे में हमारे देश के बारे में कहा था बहुत ही सुंदर गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने अखंड भारत का नारा बुलंद किया माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा झंडी दिखाई गई और अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे सभी जाबाज सभी हमारे भारतीय नागरिक आपसे निवेदन करती हूँ पूरे उत्साह के साथ यहाँ मौजूद है कि इस एकता की दौड़ का प्रारंभ करें दे दूं एक एक स्पंदन हर सुबह का पहला बंधन इसे बनाएं चलो सजाएं जब तक सांसें शेष जय हो भारत देश जय जय भारत देश सरदार पटेल के जन्म दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार एकता दिवस पर अनेकता में एकता के बारे में हमारे देश के बारे में कहा था बहुत ही सुंदर गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने अखंड भारत का नारा बुलंद किया माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा झंडी दिखाई सर्दार वल्लभभाई पटेल जयंती सदर्भंगा ढिल्लीलो जेंडा ऊपी ऐक्यता परुगु कार्यक्रमानी प्रारंभिंचारु केंद्र होममंत्री अमित शाह पटेल चोरवतोनी 550 संस्थानालु भारतलो विलीनमय्यायनि गुर्तु चेशारु जूनागढ़ हैदराबाद लक्षद्वीपलनु భారత్లో కలిపేందుకు ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు సఫలీకృతమయ్యాయన్నారు దేశం కోసం అంత కృషి చేసిన పటేల్కు భారత రత్న ఇవ్వడానికి అప్పటి ప్రభుత్వాలు చాలా కాలం నిరాకరించాయన్నారు के बारे में हमारे देश के बारे में कहा था बहुत ही सुंदर गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने अखंड भारत का नारा बुलंद किया माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा झंडी अक्टूबर 2015 से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई ने महान सरदार पटेल की याद में देश की एकता और अखंडता के लिए पूरे देश को संकल्पित करने के लिए एकता दौड़ का आयोजन करने का फैसला किया और तब से लेकर आज तक पूरा देश एकता दौड़ से न केवल देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्पित होता है उस दिन अपने आप को
भारत माता की सेवा में पुनः समर्पित भी करता है। और आज जब हम एकता दिन की एकता दौड़ के लिए सब एकत्रित आए हैं, तब ये एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा, अब एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प।